नमस्कार, मैं अमित अवस्थी, मीडिया टुडे टीवी में आपका स्वागत है। गाजा में जहां एक तरफ इजरायली सेना महिलाओं, बच्चों और आम नागरिकों को निशाना बना रही है, वहीं हमास के लड़ाके चुन चुन कर इजरायली सैनिकों को ढेर कर रहे हैं। आज की वीडियो में आपको वही मंजर दिखाने जा रहा हूं। ध्यान से देखिए कि गाजा कैसे इजरायली सैनिकों का कब्रिस्तान साबित हो रहा है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि इजरायली सेना को गाजा में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपको वीडियो में इजराइल का मरकावा टैंक दिखाई दे रहा है, साथ ही हमास के इस लड़ाके को देखिए जिसके हाथ में चुंबक बम है। ये लड़ाका बेखौफ होकर इजरायली टैंक के पास जाता है और उसके नीचे इस बम को छिपा देता है। जैसे ही ये टैंक आगे बढ़ता है, इसमें जोरदार धमाका हो जाता है और इसके परखच्चे उड़ जाते हैं। इसके अलावा कस्साम ब्रिगेड ने जबालिया में एक इमारत के अंदर घुसे 40 इजरायली सैनिकों के एक समूह को टीबीजी रॉकेट से निशाना बनाया। इस ऑपरेशन में ज्यादातर इजरायली सैनिक मारे गए हैं और कुछ अन्य घायल भी हुए हैं। इस घर में बड़ी संख्या में इजरायली सैनिक मौजूद हैं। ध्यान से देखिए, आपको इस घर में इजरायली सैनिकों की हलचल साफ दिखाई देगी। हमास के लड़ाके रॉकेट से इस घर को निशाना बनाते हैं और सब कुछ धुआं धुआं हो जाता है। धमाके के काफी देर बाद तक इसके अंदर आग लगी दिखाई देती है। ये धमाका कितना जोरदार था, इसका अंदाजा आप इजरायली सैनिकों के इन जले हुए हथियारों से लगा सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये इजरायली सैनिकों के झुलसे हुए वो हथियार हैं जो तेज धमाकों की चपेट में आने से पिघल गए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब हथियारों की ये हालत हुई तो इजरायली सैनिकों का क्या बना होगा। खैर, आगे बढ़ते हैं और हमास के स्नाइपर्स यानी निशानची इस जंग में क्या भूमिका अदा कर रहे हैं, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि बारूद के धुएं में एक इजरायली सैनिक भागता हुआ दिखाई दे रहा है। तभी हमास के स्नाइपर्स उस पर निशाना लगाते हैं और वह वहीं पर ढेर हो जाता है।